जॉब जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आर्मेनिया के बारे में, ऑल्सो यूरोप माइग्रेशन के बारे में। तो पहले हमने काफ़ी सारे वीडियोज यूरोप के ऊपर बनाए हैं और आर्मेनिया के ऊपर बनाए हैं, तो आप लोगों का काफ़ी सारे मुझे ईमेल्स आता है, कमेंट्स में आप लिखते हो आर्मेनिया के थ्रू यूरोप जाना है तो कैसा जाना है। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया था कि कैसे आप आर्मेनिया में बिजनेस करोगे या कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, या वहीं से लीगली आर्मेनिया से लीगली कैसे आप यूरोप अमेरिका कनाडा मूव करोगे, उसके ऊपर बताया था। तो अगर आपको यूरोप जाना है या आर्मेनिया जाना है तो इंडिया में बेसिकली वीज़ा स्टैम्पिंग नहीं हो रहा है, एम्बेसी से अपॉइंटमेंट पाने के लिए काफ़ी समय लगता है। इन इंडिया अगर अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो कुछ गारंटी नहीं है कि वीज़ा स्टैम्पिंग होगा। कभी कभी वीज़ा स्टैम्पिंग होता है, कभी कभी वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है, इसीलिए इंडिया में कुछ भी गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आर्मेनिया में आपको आर्मेनिया का थ्रू जाना है, यूरोप मूव करना है, तो लीगली जाना है, क्योंकि पहले जैसा नहीं रहा। अभी आज से 5-10 साल पहले यूरोपियन कंट्री अमेरिका यूरोप कनाडा एसाइलम सीकर्स को वेलकम करता था, लेकिन आजकल बहुत सारे कंट्री एसाइलम सीकर्स का जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। कोई भी कंट्री में जाकर आप एसाइलम के लिए अप्लाई करोगे तो कुछ गारंटी नहीं है कि वो आपको रेजिडेंसी देगा, उस कंट्री में रहने को देगा। हो सकता है काफ़ी साल आपका केस रहेगा, चलेगा, उसके बाद रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको इंडिया आना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे हुआ है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के लोग 10-10 साल यूरोप में रहने के बावजूद उनका वीज़ा एसाइलम एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, उनको डिपोर्ट कर दिया गया है उनका कंट्री को। इसीलिए आज के डेट में जो है, आप कोई भी कंट्री को जा रहे हो, मूव कर रहे हो, तो लीगली जाइए। कोई भी कंट्री को जा रहे, लीगली जाइए। इंडिया का जो किस कंट्री को कौन से कंट्री को एसाइलम, कौन से कंट्री का लोगों का एसाइलम का एप्लीकेशन ज़्यादा करके एक्सेप्ट होता है, ज़्यादा करके जो कंट्री में वार होता है, जो कंट्री में गरीबी है, भूखा लोग है, तो प्रॉब्लम्स है, तो उसी कंट्री का ज़्यादा करके। जो आपका जो मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्री है, जैसा कि इराक हो गया, इराक, लेबनान, सीरिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड अफ्रीकन कंट्री, लेकिन उसमें आजकल बहुत सारे जो वहाँ के लोगों को डिपोर्ट किया जाता है। इंडिया का इकोनॉमी अभी काफ़ी अच्छा है, इंडिया का इकोनॉमी अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, पांचवा सबसे ज़्यादा बड़ा इकोनॉमी है इंडिया वर्ल्ड का। तो इंडिया का लोगों को एसाइलम ज़्यादा नहीं मिल रहा, अभी रिजेक्ट हो रहा है। पहले मिलता था जब इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब था, अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद इंडिया का लोगों का एसाइलम एप्लीकेशन ज़्यादा करके रिजेक्ट हो रहा है। तो कोई भी कंट्री आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आप बेटर होगा, आप लीगली ट्रैवल करिए, लीगली जाकर कुछ भी करिए, इलीगली मत करिए। तो थ्रू आर्मेनिया आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। आर्मेनिया में जाइए, ई वीज़ा में जाइए। ई वीज़ा मतलब होता है 21 डेज का वीज़ा है, 21 दिन का वीज़ा है, और वो वीज़ा को 4 महीना तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, 4 मंथ्स तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो आप ई वीज़ा में जा सकते हो। ई वीज़ा में जाकर वहाँ पर कंपनी फॉर्मेशन करिए, लेकिन कंपनी फॉर्मेशन जो है, आप अगर कोई लॉयर के थ्रू जाओगे इन आर्मेनिया, तो आपको कम से कम $2,000 चार्ज करेगा, $2,000 चार्ज करेगा लॉयर। और आपको वहाँ पर कुछ ऑफिस लेना है, कमर्शियल बिल्डिंग में ऑफिस लेना है या शॉप लेना है, दुकान लेना है। लेने के बाद आपका कमर्शियल ऑफिस में ऑफिस का एड्रेस या शॉप का एड्रेस में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, और आपका जहाँ पर आप रहोगे, कोई भी घर आपका जो अपार्टमेंट में रहोगे, वहाँ भी आपका रहने का एग्रीमेंट चाहिए। क्योंकि आप लोग काफ़ी सारे लोग गलती करते हो, क्योंकि आप जाकर एक अपार्टमेंट ले लेते हो, अपार्टमेंट में रहते हो, और उसी एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन करके उसी एड्रेस को दिखाते हो। बाद में इमिग्रेशन चेक करने को आता है, देखता है कि आप रेसिडेंसी में रहते हो, कोई बिल्डिंग में रहते हो, विला में रहते हो, उसी एड्रेस में आप कंपनी फॉर्मेशन किया है, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है, अभी आर्मेनिया का काफ़ी सारे रूल चेंज हो चुका है, आपको जो भी है लीगल जाना है, यूरोपियन यूनियन का जो सिस्टम है ऐसा ही जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहला जाकर ई वीज़ा में जाइए, जाने के बाद कोई लॉ फॉर्म को पकड़िए, लॉ फॉर्म को कॉन्टैक्ट करिए, और पहला आप जिस पैसा तो खर्चा होगा, जिस एड्रेस में रहोगे, कोई अपार्टमेंट में रहोगे, उस अपार्टमेंट का एड्रेस चाहिए, और जिस जगह पर आपका ऑफिस रहेगा, कोई कमर्शियल बिल्डिंग में ऑफिस ले लीजिए, कोई शॉप ले लीजिए, दुकान ले लीजिए, 1 साल का एग्रीमेंट बनाइए।
एक साल का एग्रीमेंट बनाइए, 2 साल का डिपॉजिट चाहिए, 1 महीने का रेंट जो भी है उसका 2 साल का डिपॉजिट चाहिए और 1 महीने का रनिंग जो रेंट आपको देना है। एग्जांपल $300 रेंट है तो 2 महीने का $600 हो गया, तो $600 आपको डिपॉजिट देना है ओनर को और 1 महीने का रेंट देना है बाद में आपको देना है, तो आपको $900 रेडी करना है। तो जैसे ही आपको ये 2 महीने का 2 मंथ्स का एग्रीमेंट 2 मंथ्स का आप पेमेंट कर दोगे तो ओनर आपके नाम पे 1 साल का एग्रीमेंट बना देगा, आपका ऑफिस ये है। तो तुरंत आपको क्या करना है, लॉयर को कॉन्टैक्ट करके लॉ फर्म आपका ऑफिस का एड्रेस ऐड करेगा, ऑफिस का एड्रेस में आपका कंपनी फॉर्मेशन करेगा, आपका पासपोर्ट एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करेगा, ट्रांसलेट करेगा, आर्मेनियन या रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके नोटराइज करेगा, आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड में जाकर आपके लिए अप्लाई करेगा लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करेगा, प्राइवेट लिमिटेड लाइसेंस और LLC कंपनी बनाएगा। एप्लीकेशन के बाद कम से कम 3-4 दिन में, कभी कभी 1 दिन में भी हो जाता है, कभी कभी 2-3 दिन लगता है, 2-3 दिन में लाइसेंस निकल जाता है। तो बेटर होगा आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस निकालिए, या आप कोई आपका जो जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस निकालिए, या आप कोई ग्रोसरी शॉप का या कोई शॉप का या कोई गारमेंट शॉप का रेस्टोरेंट का, जो अगर आपके पास बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो रेस्टोरेंट दिखाइए, अगर कम इन्वेस्टमेंट है ग्रोसरी दिखाइए। ये बनाने के बाद आप अगर ग्रोसरी दिखाना है, ग्रोसरी करना है तो ग्रोसरी स्टार्ट करिए, ग्रोसरी मतलब दुकान ले लीजिए रेंट पे और उसमें 40-50 हज़ार का सामान खरीद के दुकान को सजा दीजिए कि आप ग्रोसरी जैसा दिखना चाहिए, उसी एड्रेस में आपके अप्लाई करना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लाइसेंस निकल जाएगी, फिर आपका रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई हो जाएगी। तो रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन में आप जहाँ पर रहते हो आपका रहने का अपार्टमेंट का एड्रेस रहेगा कि आप यहाँ पर रहते हो, आपका दुकान या ऑफिस का एड्रेस रहेगा, या आपका कंपनी है। तो रेसिडेंसी वीज़ा नॉर्मली 26 days to 30 days लगता है और विदिन 15-20 दिन के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर आपका ऑफिस में आएगा या दुकान में आएगा, जिस एड्रेस में आपका बिजनेस है वहाँ पर आएगा, आपसे मिलेगा, आपका पासपोर्ट चेक करेगा, आपसे डिस्कस करेगा कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो और कितना आदमी को आप, कितना आर्मेनियन लोगों को आप एम्प्लॉय जॉब दोगे, कितना इन्वेस्टमेंट है, जस्ट फॉर्मली आपसे बात करेगा। बात करने के बाद वो सेटिस्फाई हो जाएगा, आपका दुकान चल रहा है, ऑफिस चल रहा है। तो बाद में आप बेटर होगा एक आर्मेनियन स्टाफ को रख लीजिए, तब तक एक आर्मेनिया या दो आर्मेनियन स्टाफ को रख लीजिए, वो काम करते रहेंगे, फिर आपका दुकान या ऑफिस चलते रहेगा, फिर वो आपका इंटरव्यू लेके वीज़ा ऑफिसर इमिग्रेशन ऑफिसर चले जाएगा, फिर रिपोर्ट लिखेगा उनका जो सुपीरियर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट लिखेगा कि आपका यहाँ पर बिजनेस चल रहा है, आप एक दो आदमी आर्मेनियन को जॉब दिया है और आपका बिजनेस चल रहा है। उसके बाद कम से कम 30-30 दिन से लेकर आपका जैसे कि 25-30 दिन के अंदर या 35-40 डेज के अंदर आपका रेसिडेंसी वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, फिर आपका TRC आ जाएगा। और TRC वीज़ा या रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन से पहले आपको मेडिकल टेस्ट ही करना है, मेडिकल टेस्ट भी कराना है, सोशल कार्ड वगैरह करना है, वो लॉयर सब करके देगा। तो ये इजी तरीका है, अगर आपके पास पैसा है आप ये बिजनेस कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो। और अगर आप ये रेसिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद आप आपका बैंक अकाउंट खोलिए, एक करेंट अकाउंट खोल लीजिए, बिजनेस अकाउंट खोल लीजिए एंड आपका एक पर्सनल अकाउंट सेविंग अकाउंट खोल लीजिए, फिर आपका जो करंट बैंक अकाउंट में थोड़ा पैसा 2-3 लाख रुपया डिपॉजिट करिए आपका पर्सनल बैंक अकाउंट में 1-2 लाख डिपॉजिट रखिए, तो 4-5 लाख रुपया आप रखिए पर्सनल अकाउंट से लेकर डिपॉजिट करिए, ट्रांसफ़र करिए आपका जो करंट अकाउंट टू पर्सनल से थोड़ा ट्रांजैक्शन करिए। तो 2-3 महीना थोड़ा रुकिए, 2-3 महीने के बाद आप यूरोप में जो कंट्री जाना चाहते हैं उस कंट्री से आप इनविटेशन मंगा सकते हो, इनविटेशन मंगा कर उस यूरोप या अमेरिका कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर लीजिए। कनाडा का अभी फ़िलहाल एम्बेसी खोला नहीं है, अमेरिकन एम्बेसी खोला है। यूरोप का ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ का एम्बेसी यरेवन आर्मेनिया में है, तो आप वहाँ पर वीज़ा अप्लाई करके उस कंट्री को जाइए जो कंट्री को आप जाना चाहते हो, फिर इजीली आप वहाँ जाकर कोई भी कंट्री जाते हो तो वहाँ सेटल हो सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो या वहाँ पर जाकर कुछ बिजनेस खोल सकते हो तो जा सकते हो। या आप अगर कोई कंट्री मूव होना चाहते हो आर्मेनिया से, वहाँ जाइए नौकरी ढूंढिए, नौकरी ढूंढने के बाद नौकरी मिलने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आर्मेनिया आ जाइए, फिर कंपनी आपको जब वर्क परमिट का डॉक्यूमेंट भेजेगा, फिर आर्मेनिया में वहाँ उस एम्बेसी में वर्क परमिट अप्लाई करके आप फिर दोबारा उस कंट्री को चले जाइए, आर्मेनिया का कंपनी को आप क्लोज कर सकते हैं।
ये इजी तरीका है, ये काम कर सकते हो। और जो TRC इम्पोर्टेंट है, TRC के लिए आपको बता दिया ये तरीका है, कंपनी फॉर्मेशन के द्वारा आप कर सकते हो। और हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉरपोरेशन कंपनी रजिस्ट्रेशन करके देगा और वीज़ा भी अरेंज करके देगा, तो टोटल पैकेज है $1,500। $500 है वीज़ा का है, ई वीज़ा का है, $1,000 है कंपनी फॉर्मेशन का, $1,500 में। अगर आपको रेसिडेंसी TRC वगैरह अप्लाई करना है, फिर आपको दुकान ऑफिस लेना है और थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्चा होगा। TRC ये सब एप्लीकेशन करने के लिए और भी $500 से $600 खर्चा आ जाएगा, प्लस आपको ऑफिस या दुकान दिखाने का है। वो करने के बाद फिर आपका हमारा जो लॉ फॉर्म है वहाँ पर आपको मदद करेगा, कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, कंपनी फॉर्मेशन वगैरह आपका एप्लीकेशन करना है वो करके देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन करके, आर्मेनिया में बिजनेस करके वहाँ सेटल होना है, तो आप कर सकते हो। अगर आर्मेनिया से बिजनेस बनाकर आप यूरोप मूव होना है, वो भी हम कर सकते हैं। तो यूरोप आर्मेनिया में बिजनेस करने के बाद जब आप वहाँ पर TRC मिल जाएगा, तो यूरोप का कोई भी कंट्री से आपको इनविटेशन चाहिए, तो इनविटेशन का कॉस्ट है €1,000। तो हम लोग वहाँ से इनविटेशन अरेंज करके देंगे कोई भी कंट्री से, आप नॉर्वे हो, जर्मनी हो, कोई भी कंट्री का, हम इनविटेशन €1,000 में अरेंज करके देंगे। फिर आप इनविटेशन लेकर उस कंट्री का एम्बेसी में, यरेवन में वीज़ा अप्लाई कर लीजिए, अप्लाई करके आप उस कंट्री को मूव हो सकते हो। लेकिन आर्मेनिया का आपका जो बैंक अकाउंट में कम से कम 2-3 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आर्मेनियन एम्बेसी में जब अप्लाई करोगे आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो आर्मेनिया के थ्रू कंपनी फॉर्मेशन करके यूरोप मूव होना है, वो भी कर सकते हो। या आर्मेनिया में अगर आप रहकर बिजनेस करना है तो आप हमें बता दीजिए, तो हम आपको ये बिजनेस का रजिस्ट्रेशन वगैरह करके देंगे। आशा करते हैं हमारे टॉपिक आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे आपके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लेते आऊँगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा ग्लोबल जॉब्स एंड इमिग्रेशन मैगजीन www.ujobs.com, इसमें पढ़ते रहिए। इस ऑनलाइन मैगजीन में आपको इंटरनेशनल जॉब्स, इमिग्रेशन एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स वगैरह पब्लिश होता रहता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ujobs.com में जाकर आप ज़्यादा जानकारी पा सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।